और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की पिटाई और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा जाना आम बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर में भी देखने को मिला। भगवती प्रसाद सिंह मेमोरियल अस्पताल में समाचार संकलन कर रहे जेएमडी चैनल के पत्रकार के साथ अस्पताल कर्मियों ने हमला कर मारपीट कर दी। पुलिस ने पत्रकार की तहरीर पर 3 डॉक्टरों समेत 15 लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों की तरफ से पत्रकार के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि जेएमडी चैनल के पत्रकार राहुल रत्न पासवान जिला मेमोरियल अस्पताल में वीडियो बना रहे थे कि तभी अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान पत्रकार राहुल रत्न पासवान को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका चिकित्सीय परीक्षण कराकर तहरीर के आधार पर डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर रमेश कुमार पांडे समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर उमेश कुशवाहा की तरफ से राहुल रत्न पासवान के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बता दें कि राहुल रत्न पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार और मनमानी की खबरें चला रहे थे, जिससे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी नाराज थे। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इस घटना के बाद पत्रकारों में गहरा रोष व्याप्त है। इंसाफ न मिलने तक आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmd